दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया अपनी नानी के पास। और दान देख सकते हैं हम, नानी थोड़ा गुस्सा है, पर क्या बात, क्या करें अब, क्या करें, थोड़ा पकौड़ी खिला देते हैं वो, तब शांत हो जाएगी। तो नानी से अब विदा लेते हैं। तो नानी, हाँ नानी, ठीक है, तब ध्यान रखना अपना। जय बुआ चाबू, ठीक है। तो भाई कुछ दिन तक बारिश हो रही थी और मौसम फिर से वही धूप दिखाने लग गया, वही जला रहा है सबको। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मौसम का तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया पहले, और आप देख सकते हैं मैंने शेरों को आज यहाँ बांध दिया है क्योंकि आगे वाले साइड बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए मैंने इसको बजीर के ऊपर बांध दिया है। यहाँ पर रेत है तो रेत के ऊपर इसको ठंडा लगेगा। और सपना और मधुली को अंदर बांध रखा है, और ये देख सकते हैं आप पुदीना। और धूप बड़ी ख़तरनाक हो रही है, गांव का आप हाल देख सकते हैं क्या हो रहा है। जैसे दो चार दिन तक बारिश हो रही थी लगातार, मज़ा आ रहा था, लेकिन उसी हिसाब से अब सजा भी हो रही है इस गर्मी से। लोग खेतों में जा रखे हैं अपना काम करने, कोई नटी कर रहा है, कोई बीजवाड़ में खाद डाल रहा है। मेरी बात करें तो मैं जा रहा हूँ आज कमद इसलिए जा रहा हूँ कि शादी के बाद मैं गया नहीं, और ख़ासकर नानी को मिलने जा रहा हूँ। नानी नाराज़ हो रखी क्योंकि अब होता है, नानी ने बचपन से बहुत सपोर्ट किया है और बेचारे अब बूढ़े हो गए तो वो बोलते हैं कि तुम मिलने ही नहीं आते हैं। तो आज मैं टाइम निकाल के उनको मिलने जा रहा हूँ और फुर्सत से उनके साथ रहूँगा आज। तो चलिए कमद चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या होता है। चलिए मैंने बाइक रास्ते पे ला दी है और यहाँ से निकल पड़ता हूँ अब। तो भाई साहब मैं कमद के लिए निकल गया हूँ और अभी मैं भेटियारा गाँव से थोड़ा आगे हूँ, और मैं अभी यहाँ इसलिए रुका क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। और मेरे पास तो कोई मोटो सेटअप है नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करता रहूँ बाइक चलाते हुए, एक हाथ से तो मैं रिक्शा ले नहीं सकता हूँ क्योंकि सड़कें ख़राब होती है पहाड़ों में, कोई होता तो उसके पास कैमरा दे देता। तो इसीलिए मैं कहीं कहीं पर रुक के आपको व्यू दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी औसम व्यू है। नीचे खेत है और उधर नदी है, वहाँ भी हम बचपन में नहाने आते थे। और ये है भिटारा गांव के जस्ट आगे का नज़ारा, और यहाँ पर देवता का मंदिर है, मुझे पता नहीं कौन सा देवता है पर भगवान का मंदिर है। और यहाँ ऐसा है, और मुझे जाना इस सड़क से आगे। चलिए समय को ज़्यादा ख़राब नहीं करता हूँ, निकल पड़ता हूँ यहाँ से, नहीं तो अगर वहाँ नानी के पास फ़ोन भी नहीं है, पता चला मैं वहाँ चला हूँ नानी कहीं चले गई, तो इससे बढ़िया मैं निकल पड़ता हूँ। दोस्तों एक दो किलोमीटर आगे आ गया हूँ और यहाँ से अब मैं एक आपको गांव दिखाता हूँ, गांव का नाम मुझे याद नहीं। और यहाँ हम कभी क्रिकेट खेलने भी आए थे कभी टूर्नामेंट में, तो आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए आप, काफ़ी औसम भी है, और वहाँ देखिए आप झूला पुल लगा हुआ है वहाँ, तो उस झूला पुल के नीचे हमने खेला था क्रिकेट। और ये है यहाँ, यहाँ पटाल के मकान ज़्यादा दिख रहे हैं हमें अभी। ये यहाँ से भी चल पड़ते हैं आगे। भाई साहब अभी मैं हूँ जिस एरिया में, वहाँ का नाम है लोहारखा, और यहाँ से कमद मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। तो आपको यहाँ का व्यू दिखाता है एक बार, देखिए आप कितना औसम व्यू है यहाँ का। वहाँ से होके आया मैं, और मुझे जाना उधर अभी। ऐसा फाइनली कमद तो मैं पहुँच गया हूँ, और मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाना है, बागी गांव है वो थोड़ा बैक है, ये मार्केट एरिया है, तो मुझे यहाँ से भी 2 किलोमीटर और आगे जाना है। तो यहाँ से कुछ ले लेता हूँ दुकान से, फिर चलता हूँ आगे। दोस्तों फाइनली मैं अभी हूँ इस धारे पे, और मेरी छोटी बहन मेरे को मिल गई, और ये भी मेरे साथ नानी के यहाँ जाएगी। नानी तो वैसे नाराज़ है मुझसे, और नानी को आजकल गुस्सा भी आ रखा है नाना से। तो यार मेरे दो काम है, एक तो अपने से मैंने मनाना है, और एक नाना के जो अगेंस्ट नानी हो रखी है थोड़ा मनाना है। तो मैं बहुत दिनों से आया भी नहीं, तो नानी मुझे देख के तो शांत हो जाती है, लेकिन आज देखता हूँ बहुत महीनों से मैं यहाँ आया नहीं। तो अभी मैं यहाँ धारे पर हूँ, यहाँ का नाम है कुकड़ियाणी, तो यहाँ पर थोड़ा पानी पीते हैं फिर नानी के पास जाते हैं मिलने। तो नानी का रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है आज। भाई साहब हम दोनों फाइनली पहुंचने वाले हैं घर, अब देखते हैं नानी का रिएक्शन। और यहाँ है नानी का मकान, आप देख सकते हैं, और नानी लगी हुई अंदर, और यहाँ गेहूं भी डाल रखा है सुखाने। तो भाई साहब मुझे जाना है अभी अंदर, क्या होता है रिएक्शन। नानी मैडम, दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया अपनी नानी के पास, और दान देख सकते हैं हम, नानी थोड़ा गुस्सा है, पर क्या बात, क्या करें अब, क्या करें, थोड़ा पकौड़ी खिला देते हैं वो, तब शांत हो जाएगी। तो भाई बहुत महीने बाद आए मैं यहाँ आज, तो मैं नानी के बहाने आया, मैंने कहा चल यार नानी को थोड़ा मिल लेते हैं, नहीं तो बुढ़ी बोलेगी यार हद है यार आता ही नहीं यार। हाँ हाँ फुर्सत से आ गया मैं आज, मैं यहाँ बैठ रखा हूँ और यहाँ गप्पे लग रही नानी के साथ बैठ के। ये देखो आप नानी तो पता नहीं क्या क्या बग रहे आज यहाँ।
और नानी की प्यारी नातिन यहाँ पे बैठ रखी है। देखो यार ब्योली, ए बाबा ब्योली, तो इनकी पत्नी क्या क्या गप्पे लग रही है आज। टाइम हो गया अब तो हम चाय पीते हुए निकलते हैं यहाँ से। इन साहब यहाँ मिल गए चाय, क्योंकि जब पहाड़ों में क्या होता है, जब कहीं जाते हैं तो उससे पहले चाय पिलाई जाती है, या कोई आता है तो पहले चाय पिलाई जाती है। तो ये है फाइनल चाय और ये दूध वाली है। अभी यहाँ दूध वाली मिल गया, घर में जाऊंगा पी चाय। अगर मेरी नानी थोड़ा दूध दे देगी तो कृपा हो जाएगी, और नहीं देगी तो चाय पत्ती डाल के पी लेंगे पानी। और ये सब पी रहे हैं यहाँ पे चाय। अरे ब्योली भी। और देखो नानी आज बहुत मुस्कुरा रही है, खुश हुई ने। हाँ चाय बड़ो गिलास पकड़ो, छोटे भी नहीं पकड़ो है, बड़ो गिलास खींचनी पैक आज। भाई साहब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन मौसम का अगर मैं हाल देखूँ तो क्या हो रहा है यहाँ। हाँ मौसम बिल्कुल काला हो गया, और आज वेदर रिपोर्ट में बारिश दिखा रही थी और सही में बारिश लगने वाली है। और गांव से मम्मी का फ़ोन आया कि थोड़ा रुक जाए, इस बारिश को रुकने दे, वहाँ तो लग गई पर यहाँ अभी होने वाली है। देखिए आप यहाँ पूरा काला हो गया एकदम। और नानी इसको कर दिए कि कटे ऊपर ले जाओ, तो इस कटे को लाता हूँ ऊपर कुल्याण इंच। देख सकते हैं हवा कितनी भयंकर चल रही है अभी। और नानी के मकान के आगे ये जो है बांझ का पेड़ है, ये भी, और ये दो बांझ के पेड़ हैं यहाँ। हवा बहुत तगड़ी होने लग गई, और यहाँ जो चादर है वो भी उड़ रही है। अरे तू भी चल नानी, इधर थोड़ा मदद कर तक जाते। ओ देखो भाई साहब आप, और नानी लग गए वहाँ काम पे। नानी आप देख सकते हैं वहाँ उसको फटक रही है। हाँ पूर्ण रही है नानी, गेहूँ पूर्ण रही है। गढ़वाली में पूर्ण बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो गेहूं से वो अलग हो जाता है नटा, और गेहूं अलग हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नानी लगी काम पे, और मौसम भी ख़राब हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। तो फाइनली यहाँ बारिश खतरनाक होने लग गई है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम कैसा है अभी। अब यहाँ बारिश होने लगी, बूंदाबांदी होने लग गई है, और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ। भाई साहब समय लगभग 4 बज गए, और बारिश इतनी खतरनाक हो रही है कि अभी तो मतलब मैं जिस रास्ते से आया था उस रास्ते की कंडीशन पहले ख़राब थी, और बारिश से अब उसकी और ख़राब हो गई होगी। मतलब टायर उसमें पूरा डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है, लाल मिट्टी। पास का सूख रही थी तो ठीक था, अब वहाँ बहुत डेंजर हो गया बाइक चलाना। देखते हैं इतनी बारिश होगी कि नीचे जितनी पटाले हैं वो सब, जो पत्थर है ये सब गीले हो गए। और अभी ऐसा है मौसम, देख सकते हैं आप ऊपर बादल काले एकदम, और साउंड कर रहे हैं बड़ा खतरनाक। भाई साहब आप देख सकते हैं कितना खतरनाक तूफान आ गया यहाँ, और आप देख सकते हैं अभी सब लोग यहाँ से अंदर भाग गए हैं। ओ भाई साहब इतना खतरनाक तूफान, तो भाई फिर से लग गए खतरनाक बारिश। जैसे मैं मूड बना रहा हूँ जाने का, वैसी बारिश खतरनाक हो रही है। और अब तो मेरे को ये डर लग रहा है कि यार बाइक वहाँ फंस जाएगी, और कुछ नहीं। ये देखिए आप कितना खतरनाक तूफान आ रहा है, और डर भी लग रहा है ये चादर ना उड़ जाए यहाँ मकान की। ये देखिए तो यार बारिश काफ़ी लग रही है यहाँ, और जैसे मैं तैयार हो रहा हूँ वैसी बारिश ज़्यादा लग रही है। क्या होगा ये देखिए आप, लगातार कंटिन्यू ये बारिश चली रही है, और बारिश के साथ साथ हवा भी चल रही है, और ऐसे में तो बाइक पे बुखार आ जाएगा अगर मैं इस बारिश से भीग गया। बारिश का वेट करता हूँ, अगर बारिश रुक जाती तो मैं यहाँ से सीधे रफू चक्कर, है ना नी? क्या बोलना चाहते हो आप? अरे बुआ बारकर तो थक दिए नहीं है आज, बारकर नहीं थक दिया भाई। भाई यार मैंने स्वेटर भी नहीं लाई, मैं टी शर्ट में आया, मुझे नहीं था पता। मैं यहाँ जब पहुँचा उसके बाद मैंने वेदर रिपोर्ट देखी, आज बारिश दिखा रखी है। हैं बड़ा यार बड़ा फंस गया मैं यहाँ, और इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, यहाँ चादर है और चादर भी कई बार उड़ रही हवा में ने। चलिए फाइनली हम बारिश रुक गई है, 2 घंटे के बाद बारिश रुक गई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब। तो नानी से अब विदा लेते हैं। तो नानी ठीक है, तब ध्यान रखना अपना। जी बुआ चाकू ठीक है, भाई कोई दिक्कत हो तो फोन करना है। तो चलिए यार चल पड़ता हूँ यहाँ से, अब बारिश रुक गई नहीं तो फिर हो गए स्टार्ट। भाई साहब फाइनली मैं यहाँ से निकल गया हूँ, इमोशनल हो गई थी, इमोशनल रोना स्टार्ट, इसीलिए मैं आता नहीं हूँ। अरे यार मतलब रोना स्टार्ट कर देते सीधे, थोड़ा भी नहीं समझते यार, क्या कर सकते हैं फिर। तो अब चलते हैं, और रास्ता बहुत ख़राब है भैया, रास्ता बहुत डेंजर हो गया अब। मिट्टी में तो भाई बाइक चलाना बहुत रिक्स है अब, क्योंकि अब यहाँ से भाई पूरा देखो अब क्या हाल है। अब इस घास से ले जाऊँगा बाइक, तो चलिए चलता हूँ अब, लेट हो रही है। साहब फाइनली मैंने वहाँ से गाड़ी निकाली, और गाड़ी में भयंकर मिट्टी लग रही थी, और हम 3 जा रहे हैं अभी,
ये तो दो वहां उतर जाएंगे और हम, हाँ मतलब एक वहां उतर जाएगा, हम तीन निकल जाएंगे यहाँ से धोतरी। तो इनके पास कैमरा देता हूँ, थोड़ा व्यू बता देंगे ये जरा कैसा है यहाँ का व्यू। तो फाइनली आधा सफर तो मैंने कर लिया है, अब थोड़ा रह गया। ये दो मेरे साथ पीछे बैठ रखे हैं, ये भी धोतरी जा रहे हैं और मैं वहीं पर जहाँ पे मैंने पहले वीडियो बनाया था, ये लोधू है सामने जहाँ हम क्रिकेट खेलने आते थे। और मौसम फिर से वही हो गया, आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी आप देख सकते हैं पहाड़ों का मौसम कैसा है, बादल पूरे काले हैं और ये देखो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। बीच में नदी, इधर उधर गांव खेत भी हैं और ये देखो जंगल भी दिखाई दे रहे हैं। और वो जो सामने सड़क गए उस सोंदी गाँव के लिए जा रही है, उसी के नीचे हमारा गाँव है। अब समय भी 7 बजने वाली है, फिर रात हो जाएगी, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब भाई साहब फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं और अभी देखो शेर को कितनी याद आ रही थी। अबे इतनी याद जा, बस। मौसम की बात करूँ ना, कसम से ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी हो, मतलब बर्फ गिर रही हो गांव में, इतना ठंडा हो रहा है ना मौसम। भाई एसी में भी इतनी ठंडी, मेरे देखो यहाँ मतलब दाने दाने आने लगे पूरे शरीर पर ठंड से। तो मैं पहन लेता हूँ पहले जैकेट, नहीं तो भाई ठंड से मर जाऊंगा यहाँ। और नीचे लोग, मैंने सुना है कि देहरादून और ऋषिकेश में लोग गर्मी से मर रहे हैं, और यहाँ सच बताऊँ तो सर्दी से मर रहे हैं। साफ कुछ ऐसा रहा आज का शेड्यूल, और ठंड लग रही है, मैं तो रजाई पकड़ लेता हूँ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने पहाड़ी भाई को इसी प्रकार प्यार देते रहें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।